कानपुर से खबर है जहां उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से व्यापार मंडल के मुख्य कार्यालय तिलक नगर कॉलोनी पर एक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने कहा कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा कार्यालय जनपद रामपुर में व्यापारियों के साथ लाइसेंस बनवाने और सैंपलिंग के नाम पर लगातार अत्यधिक जुल्म ज्यादती की जा रही है, जिसमें चारों तरफ व्यापारी समाज में हाहाकार मचा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के प्रति व्यवहार में जल्द ही कोई सुधार नहीं किया गया तो रणनीति बनाकर व्यापार मंडल द्वारा जल्द ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा जाएगा। क्या मामला है सुराज? आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यालय पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिस प्रकार से जाति की गई, इस मामले को लेकर के बैठक आयोजित की गई है। व्यापारियों ने अवगत कराया कि फूड सैंपलिंग के मामले में व्यापारियों पर बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती की जा रही है। दुकानदारों से 2,000-5,000 रुपये की उगाही की जा रही है। दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है। साथ ही जानकारी प्राप्त हो रही है कि लाइसेंसिंग के नाम पर व्यापारी के साथ तमाम नियम शर्तें लाद दी गई हैं, जिससे व्यापारी तमाम तरीके से उलझन फंस गया है। ऐसी स्थिति में व्यापारी कारोबार बंद करके बैठने को तैयार है। बेरोजगारी बढ़ गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की इतनी नियम और शर्तें इतनी जाती हैं, इस जाती को देखते हुए खाद्य के व्यापारी आज खाद्य का व्यापार बंद करके अन्य कामों में डटने को तैयार हैं, व्यापार छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन व्यापार करने को तैयार नहीं है। उनके दिमाग में इतना खौफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का, उतनी ज़्यादा खौफ, इतना ज़्यादा टेरर बैठ चुका है उनके दिमाग में कि वो आज फूड सेफ्टी से संबंधित कोई भी व्यापार करने को तैयार नहीं है, जिससे बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। इस मामले को देखते हुए हमारे आज व्यापार मंडल की बैठक आयोजित हुई है। जल्दी ही हमारा एक प्रतिनिधिमंडल, जो हम अधिकारी हैं खाद्य सुरक्षा के DO, उनसे मुलाकात करेगा, जो चीफ है उनको अवगत कराएगा। उसके बाद में एक बहुत बड़ा तादाद में, एक बहुत बड़ी हजारों की तादाद में एक कार्यक्रम होगा, जो ज्ञापन का व्यापार मंडल का कार्यक्रम होगा, उसकी शुरुआत की तैयारी की जाती है।